नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि अपन आया है पारनेर तालुका में श्रेयस गोल्ड फार्म में, जिनके पास सोजत और जमुनापारी बकरियां है। वो सोजत और जमुनापारी बकरियों का अपन अभी वर्गीकरण देखेंगे। तो अभी देख रहे हैं अपन जमुनापारी बकरियों के बच्चे। सर, ये बच्चों की उम्र कितनी है? इसकी उम्र अभी एक महीने का बच्चा है। और इसकी इसका वजन कितना है? अभी इसका वजन 9 केजी। 9 केजी एक महीने में 9 केजी। यानी अपन अगर गांव वाले बकरी की तरफ देखेंगे तो उस हिसाब से इसका वजन लगभग 4 से 5 गुना है, क्योंकि एक महीने में गांव जो रेगुलर बकरी है उसका बच्चा सर 2 किलो के आसपास ही आता है। तो इस हिसाब से वजन के हिसाब से ये बकरियां किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेशील है। अभी इसका वजन तो ठीक है सर, लेकिन बच्चे जब होते हैं, समझो कोई बकरी का बच्चा हुआ तो वो हिट पे कब आता है, यानी उसके लगने का पीरियड कौन सा रहता है? उसका लगने का पीरियड रहता है कम से कम 12 महीने के बाद। 12 महीने के बाद ये बच्चा पहली बार हिट पे आता है। और अगर उसका मेल रहा बच्चा तो मेल 14 महीने के बाद ब्रीडिंग में आता है। अभी इसका बच्चे बकरी फीमेल जो है इसमें, इसका वजन 3 महीने में कितना होता है? 3 महीने कम से कम इसका वजन 30 केजी। दोस्तों 3 महीने में 30 केजी, यानी लगभग महीने में 10 किलो ये बकरी आपको वेट देता है। और छह महीने में उसका ग्रोथ रहती है ना, उसके वजह से उसका वेट वजन ज्यादा रहता है। उसके बाद जो खाना पीना रहती है उसका वेट फिर भी अगर 6 महीने का अगर बच्चा अपन पकड़ेंगे 7 किलो के हिसाब से, तो लगभग 40-45 किलो के आसपास बकरा बच्चा फीमेल बच्चा बनता है। लेकिन अगर इसमें मेल बच्चा है तो 6 महीने में कितना होगा? 10 किलो का आएगा। 10 किलो ज्यादा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ओके, यानी बच्चा अगर मेल बच्चा है जमुनापारी में तो वो बच्चा कम से कम 50-55 केजी के हिसाब से रहता है। और इसका पर केजी रेट क्या रहता है सर? भैया जमुनापारी जो नस्ल अपने पास है वो हंसा में आती है, वो केजी के हिसाब से नहीं आती, वो उसके नस्ल के हिसाब से। ओके, तो अभी अगर समझो इसका नस्ल के हिसाब से 6 महीने का बच्चा आपको, 6 महीने का बच्चा बेचना है कम से कम उसका रेट रहेगा 70,000। ये इतना जो कॉस्टली बच्चा है ये किसान क्यों ले जाते हैं या किस लिए ले जाते हैं? ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं? नहीं नहीं, ब्रीडिंग के लिए क्या, ओनली ब्रीडिंग के लिए। ओके ओके दोस्तों, जैसे आपने देखा जमुनापारी के बच्चे देखे अपन ने, अभी बच्चों के बाद 18 महीने की ये बकरी देख रहे हैं अपन। ये बकरी ने अभी 3 बच्चे दिए है सर। दोस्तों 3 बच्चे देने के लिए ये बकरी ने 18 महीने की उम्र कम्प्लीट की है, 18 महीने में 3 बच्चे दिए। ये बकरी जो है लगने के बाद, यानी हिट पे आने के बाद जब लगाया जाता है बकरी को, ब्रीडिंग किया जाता है, ब्रीडिंग के बाद कितने महीने में ये खाली होती है? 5 महीने में खाली हो जाती है। और इसका दूध कितना निकलता है? 2-2.5 लीटर दिन भर में या पूरा दिन में 2-2.5 लीटर दूध निकलता है। किसान भाइयों देखो, आपको 2-2.5 लीटर देने वाली और साथ में 3-3 बच्चे देने वाली ये जात है। इसका हाइट देखिए, इसका कमर, इसका फिगर देखिए, इसका वेट देखिए, ये कम से कम 60 किलो के आसपास, 75 के आसपास इसका वेट रहेगा। आप इसकी दूध की थैली देखिए कि ये आपको दूध भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है। सेकेंड थिंग, ये एक बार खाली होने के बाद वापिस कितने दिन में वापिस देने के बाद? 3 महीने के बाद स्टॉप हो जाती है। 3 महीने के बाद वापिस ये हो जाती है, यानी लगभग 8 महीने में एक ये पिस्का निकलता है। तो उस हिसाब से 16 महीने में 2 बार, ये आपको 1.25 साल में 2 बार अपने को बकरी बच्चे देती है। उसके साथ दिन का 2 लीटर दूध, 2-2.5 लीटर दूध अलग से मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये है जमुनापारी बकरी। आप इसके लिए और कुछ फीचर्स आपको जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सारे चीजों का, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। तो सो जाता है ना, तो आता है जमुनापारी है ना।
है सर, इसका वेट कितना है? 90 किलो के आगे, ये 90 किलो के आगे वेट है इसका। ये मेल है जो ये फार्म में ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका वेट के हिसाब से बाकी बकरियों का वेट, इनके आने वाले अगली नस्ल का वेट बड़ा रहता है। इसके लिए जो बीज चाहिए मेल, वो इस मेल गोबर को बोलते हैं, इसको लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका इसकी पूरी नस्ल का वेट मैक्सिमम इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये 90 केजी का अभी है, और इसका एज क्या है? इसका एज रहेगा 33 महीने का है। 33 months ओनली, 33 महीने में ये 90 किलो का है सर। तो इस हिसाब से ये आपको वेट के हिसाब से भी ये बहुत प्रॉफिटेबल जात रहेगी। ये है जमुनापारी, और उनके पास ये भी एक जमुनापारी है। ये कितने महीने का सर? छह महीने का है। इसका वेट कितना है? 60 केजी है 6 महीने का ये। उसके बाद वहां एक जमुनापारी है पीछे आपके, इसका वेट कितना सर? इसका वेट क्या है सर? 75। दोस्तों आपने देखा कि इस फार्म में जमुनापारी बकरियों को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है। ये सब आपको और जानकारी जो चाहिए वो सब आप इनसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से कांटेक्ट करके ले सकते हो। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों उसके साथ ही आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।